Hey you all, this is Juhu, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about this moisturizer and the serum which I'm using since very long time. This is a glycolic acid serum since L'Oreal has just launched this serum, but now I'm just using this. और ये अभी लॉन्च हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. जैसे कि लोग जो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं उनको पता होगा, रिसेंटली लॉन्च किया था ये L'Oreal ने. इसके पहले हाइलूरोनिक एसिड का सीरम आता था, वो भी मैंने यूज़ किया है. इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर ऑन माई स्किन दैट इज़ फ्रॉम लोटस कंपनी, लोटस हर्बल कंपनी. सिंस 2019 आई एम यूजिंग दैट और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है. जैसे वो अल्कोहल फ्री है, केमिकल फ्री है, उससे कोई हार्म नहीं है. उसको आप लगा भी नहीं रहे हो ना अगर कंटिन्यू, तो भी उससे कोई हार्म नहीं है. जैसे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं वो हमें एक बहुत ब्राइटनिंग सा ग्लो देती हैं एकदम से, उसमें अल्कोहल होता है, हैवी केमिकल्स होते हैं, बट अगर आप उनको बंद कर देते हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है. ये जो क्रीम है इतनी लाइट वेट है और मेन पार्ट इज़ इसमें SPF 25 है और PA++ है. और इसके अलावा इसमें जो है ये कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचाती आपकी स्किन को. ये ऑल स्किन टाइप है, जैसे जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, ड्राई स्किन वाले हैं और वेदर ऑयली स्किन वाले हैं, वो सभी इसको यूज़ कर सकते हैं. द बेस्ट पार्ट इज़ मैं इसको इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो कोई हार्म इसमें नज़र नहीं आया. बेसिकली ये हर्बल है तो ये कोई हार्म तो पहुँचाएगा नहीं आपकी स्किन को. कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र हमें यूज़ करना ज़रूरी होता है. जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मेरे सारे पिंपल्स बंद हो गए होना. एक्ने मुझे बहुत ज़्यादा होते थे, मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन से एकदम से अफेक्ट करता था. बट आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम, सिंस आई एम यूजिंग दिस, तो उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो यस, हियर इट इज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.